मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई द्वारा शिक्षक संवर्ग, नवीन शिक्षक संवर्ग एवं अन्य कर्मचारी संवर्ग की प्रदेश स्तरीय मांगों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी कसरावत को ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष शिवशंकर पाटीदार, तहसील अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह मंडलोई, जिला उपाध्यक्ष दिलीप कुमार दुबे ने बताया कि नायब तहसीलदार पंकज कुमार जाट को ज्ञापन दिया। केंद्र के समान यथावत वेतनमान, गृह भाड़ा साथ ही पत्रता धरी गुरुजियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देते हुए नवीन शिक्षक संवर्ग की रोकी हुई क्रमोन्नति आदेश प्रसारित करे। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। सर, इस समय जबकि परीक्षाएं चल रही है, शिक्षक धरने पे हैं, क्या मांगे हैं और ये समय क्यों चुना? सर, ये ऐसा है कि हमारी मांग ये काफ़ी समय पुरानी है। विगत 2014-15 से प्रमोशन रुके हुए हैं और सहायक शिक्षक जो हैं वो 38-40 साल से एक ही पद पे कार्य करते हुए रिटायर हो रहे हैं। उनको उनका पदनाम मिल दिया जा रहा है और नए जो शिक्षक संवर्ग की भर्ती हुई है उसमें NPS लागू कर दिया है, जबकि उनको पुरानी पेंशन मिलना चाहिए, जो कि उनकी रोजी रोटी का बात का बुढ़ापे का साधन वही होता है। अतः पुरानी पेंशन उनकी बहाली होना चाहिए। और जहां तक बच्चों की परीक्षा का सवाल है, हम हमारे कार्य कर रहे हैं और अभी भी आधे दिन स्कूल करके ही आए हैं, बच्चों को पढ़ा करके ही आए हैं और आधे दिन का अवकाश लेके आए हैं। और क्या मुख्य मांग है आपकी? मुख्य मांग में हमारी ये है कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए और जो पदनाम है जिसपे कि कोई वित्तीय खर्चा नहीं आना है शासन को, वो पदनाम दिया जाए और गुरुजी जो लगे हैं उनको उनके नियुक्ति दिनांक से उनको सीनियरिटी दी जाए। धरना प्रदर्शन कितनी देर तक रहा? 2 बजे से 4 बजे तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद हम एक छोटी सी रैली निकाल करके SDM महोदय को मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।